हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर SS कॉन्वेंट स्कूल से। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, है ना, वीडियो के थ्रू पढ़ने में, है ना। और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है, नया नया एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ पढ़ाने का। ठीक है बेटा, तो आप लोग 8th क्लास के बच्चों अपनी अपनी बुक्स आप लोग खोल लीजिए। और जो ये चैप्टर का नाम है आपका, फर्स्ट क्या नाम है? हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये है ना आपके चैप्टर का नाम ही यही है। तो क्रॉप, व्हाट इज़ क्रॉप, पता चल गया है आपको, है ना, कि एक बड़े से फील्ड में, है ना, ढेर सारे एक ही तरह की क्रॉप का पूरी श्रम शक्ति के साथ उगाना, है ना। ठीक है बेटा, अब क्रॉप लगाने के लिए, है ना, एग्रीकल्चर कृषि करने के लिए आपका ढेर सारे टास्क करने पड़ते हैं ना, आप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, है ना। तो पहला उसका जो टास्क है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना क्रॉप बोने के लिए। बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप हम लोग पहले सॉइल को क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको लूज़ करते हैं, उसको कहते हैं उलट पर, नीचे की सॉइल ऊपर कर देते हैं, ऊपर की सॉइल नीचे, ना, टर्न करते हैं उसको हम लोग। तो किस प्रकार हम लोग करते हैं, चलिए अब उसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। ओके, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। और किसी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इन सारे टास्क को जानो, है ना। तो अगर आप सॉइल को क्या करोगे, लूज़ नहीं करोगे, तो क्रॉप बढ़िया से उसमें पेनीट्रेट, उसकी रूट अंदर घुसेगी नहीं, है ना। तो इसलिए सॉइल लूज़ रहेगी तो बहुत सारे, जैसे कहते हैं, फ़ायदे होते हैं आपके प्लांट्स के लिए। दिस अलाउज़ द रूट टू पेनीट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखा मैंने बोला ना कि जो रूट्स हैं, अगर आपकी सॉइल लूज़ रहेगी तो आसानी से नीचे वो क्या करेंगी, घुसेंगी। द लूज सॉइल अलाउज़ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन वेन दे गो डीप इंटू द सॉइल, यस, है ना। सॉइल अगर लूज होगी तो वो ईजिली वो क्या कर सकेंगे, पेनीट्रेट भी होंगे और साथ में ईजिली वो लोग सांस भी ले सकते हैं, है ना, और एब्जॉर्ब कर सकते हैं मिनरल्स, वाटर, और उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अपर पार्ट में वो भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, व्हाट डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, बोल रहे हैं क्यों, जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है, मतलब ये जो सॉइल हम लोग लूज़ करते हैं, वो किस प्रकार से हमारे जो प्लांट्स होते हैं, किस प्रकार से उनके लिए, उनके ब्रीदिंग के लिए किस प्रकार से यूज़फुल होते हैं। और ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इजिली वो जो उनकी रूट्स हैं, जो आप लोग सीड लगाओगे क्रॉप की, नीचे जाएंगी, है ना, एब्जॉर्ब करेंगी, तो इस प्रकार से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, है ना। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, है ना। और जो सॉइल को जब हम लूज़ करेंगे तो वो क्या करता है, जो अर्थवॉर्म माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें, मिट्टी में, उनको भी ये क्या करता है, बढ़ाता है उनकी ग्रोथ को भी, ठीक है ना। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एडिट ह्यूमस टू इट, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो मिट्टी, है ना, मिट्टी में ही रहते हैं और उसको क्या करते हैं, वो और भी ज़्यादा फर्टाइल उसको बनाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से उनको एक तरह से ना फार्मर्स के फ्रेंड भी बोला जाता है माइक्रोब्स को, हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको फार्मर्स के क्या बोला जाता है, फ्रेंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं उसमें, क्या, ठीक है ना, कि फर्टिलिटी उसको और उपजाऊ बनाते हैं उस, ओके। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन क्यों सॉइल को टर्न करना और लूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों मिट्टी को ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेंस मिनरल्स, एयर, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना कि जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है कि नहीं। जैसे बोला गया ना कि एयर रहता है तभी तो ईजिली वो सांस लेंगे, अगर मिट्टी ढीली होगी, और क्योंकि उसमें भी एयर होती है ना। तो अगर ये कहते हैं ना, अगर मिट्टी उल्टी पलटी नहीं जाएगी, है ना, और लूज़ नहीं की जाएगी, तो किस प्रकार से वो, जैसे अब एक ही जगह पड़े पड़े उस चीज़ की उर्वरता, कहते हैं ना, ख़त्म होने लगती है ना, इसीलिए उसको उलटना पलटना ज़रूरी होता है, ताकि वो क्या हो, इजिली बीज उसमें घुसे और अच्छे से क्रॉप क्या हो,
ग्रो करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।